सलमान के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट मंदाना करीमी अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। गौरव गुप्ता को 2 साल से डेट करने के बाद मंदाना ने जनवरी 2017 में उनसे शादी की थी। शादी को अभी कुछ महीने भी नहीं हुए कि मंदाना ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, यहाँ तक पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस भी कर दिया। मंदाना का कहना था कि गौरव उन्हें जबरदस्ती हिंदू बनाना चाहता था, नहीं बनने पर घर से बाहर निकाल दिया था। इसके कुछ दिन बाद मंदाना ने अपना केस ये कहकर वापस ले लिया कि उनके और गौरव के बीच सब कुछ ठीक है। हाल ही में मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने कई काली रातें गुजारी हैं, वो पूरी तरह से ठीक हैं, क्योंकि उसे अपना प्यार, अपना परिवार मिल गया है। इससे पता चलता है कि मंदाना की शादी खत्म हो चुकी है, लेकिन मंदाना के एक दोस्त से बातचीत की गई। उसने मंदाना की शादीशुदा जिंदगी के कई राज खोले। दोस्त ने बताया, गौरव का परिवार मंदाना के साथ नौकरानी की तरह बर्ताव करता था। वो बताती थी, उसे छोटे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे। दोस्त ने कहा, यहाँ तक कि उसे स्पा या कहीं भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मंदाना की सास चाहती थी कि वो बस पूरा दिन किचन में रहे। मंदाना फैशन वर्ल्ड से है, इस वजह से उसके लिए ऐसे माहौल में रहना दम घुटने जैसा था। अच्छा हुआ वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, वरना उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती। जब मंदाना ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ आवाज उठाई तो गौरव उससे बात तक नहीं करता था, यहाँ तक कि मंदाना को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उसके ऐसे बर्ताव से लगता है कि वो अपनी माँ के पुराने विचारों को प्रमोट कर रहा है। जब इस बारे में मंदाना से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा, आपको ये सब किसने बताया, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इन सब से बाहर निकल आई हूँ। बता दें कि ये मंदाना करीमी की दूसरी शादी है। इससे पहले 2011 में ललित तहलान संग उन्होंने शादी की थी। ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और दोनों का तलाक हो गया। मिर्ची बॉलीवुड की रिपोर्ट।